सभी पुण्य आत्माओं को मेरा नमस्कार। आयम सद्गुरु विषय पे बात करने के लिए जा रहे हैं, उसके ऊपर आप लोगों ने आपके विभिन्न प्रकार के विचार रखे और आपके दृष्टिकोण से सद्गुरु को समझने का, सद्गुरु को समझाने का प्रयास किया, प्रयत्न किया। सर्वप्रथम मैं आपको बता दूं, यह एक अलग ही दुनिया का ये शब्द है, अलग ही दुनिया का शक्ति का स्रोत है। इसलिए हमारे सामाजिक जीवन में इस दुनिया की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। हमारे व्यवहारिक दृष्टिकोण से इस विषय को समझा ही नहीं जा सकता है। हमारी बुद्धि इस विषय पे जाके कुंठित हो जाएगी, क्योंकि यह विषय बुद्धि से परे है, समाज से परे है, व्यवहारिक दुनिया से भी परे है। क्योंकि अध्यात्म के नाम पर परमात्मा के प्राप्ति के नाम पर हम जो भी कर्मकांड करते हैं, जो भी पढ़ते हैं, जो भी लिखते हैं, जो हवन करते हैं, माला फेरते हैं, इन सब की एक परिसीमा है। एक ही कर्मकांड, एक ही कार्य सब मनुष्य नहीं करते। एक विशिष्ट धर्म के लोग विशिष्ट पद्धति से करते हैं, अलग धर्म के लोग अलग पद्धति से करते हैं, लेकिन सत्य अटल, सत्य सदैव विश्व में मान्य है। उसको किसी सीमाओं में बांधा नहीं जा सकता। जिस प्रकार से सारे विश्व में सूर्य सिर्फ एक है, विश्व की किसी भी देश का, किसी भी जाति का, किसी भी भाषा का भेदभाव सूर्य कर ही नहीं सकता। यानी हमारा जो ज्ञान है, हमारी जो भाषा है, उस भाषा से ये विषय समझ में नहीं आएगा। और किसी भी भाषा से, किसी भी पुस्तकों से ज्ञान प्राप्त किया हुआ व्यक्ति इस विषय को परिभाषित नहीं कर सकता है, इस विषय पे बात नहीं कह सकता है, क्योंकि ये विषय किसी भाषा में
समाहित होने वाला नहीं है। ये विषय किसी शब्दों से बताया जाए ऐसे कोई शब्द दुनिया में है ही नहीं। तो ये व्यक्ति, ये देहधारी पुरुष, कल मैंने आपको बताया विश्व चेतना जो कण कण में फैली हुई है वो यानी परमात्मा, परमात्मा का स्वरूप स्पष्ट हो गया। धर्म यानी वो सजीव ज्ञान, मेरे शब्दों पे जोर दीजिए, सजीव ज्ञान। यह सजीव ज्ञान सजीव देहधारी पुरुष ही दे सकता है। ये सजीव ज्ञान प्राप्त किया हुआ पुरुष निर्जीव पुस्तकों से ज्ञान लेके आपको नहीं दे सकता। इसके लिए इसकी पहली आवश्यकता है ये एकदम अनपढ़ व्यक्ति हो, एक ऐसा व्यक्ति हो जिस व्यक्ति ने कोई भी निर्जीव पुस्तकें पढ़ी ही नहीं हो। पुस्तकें निर्जीव है, आप सजीव हैं, तो निर्जीव पुस्तकें आपसे श्रेष्ठ नहीं है। सजीव ज्ञान वो आपको कभी नहीं दे सकती। इसलिए पहाड़ के पास शुद्ध इच्छा नहीं है, नदी के पास शुद्ध इच्छा नहीं है, समुद्र के पास शुद्ध इच्छा नहीं है। शुद्ध इच्छा सिर्फ एक मानव के पास है। तो एक ऐसा मानव जिस मानव ने ज्ञान तो प्राप्त किया है, ज्ञान सजीव रूप में प्राप्त किया है, निर्जीव पुस्तकों से नहीं। यानी सर्वप्रथम वो अनपढ़ व्यक्ति होना चाहिए। महाराष्ट्र में एक संत होके गए जिन्होंने एक अक्षर भी पढ़ा हुआ नहीं था, और आज विश्वविद्यालयों में उनके ऊपर लोग पीएचडी कर रहे हैं। ये कौन सा ज्ञान उतरा था जो भाषा से परे था, इसको पुस्तकें पढ़ने की आवश्यकता नहीं रही। मैं उस सजीव ज्ञान की बात कर रहा हूं। दूसरा, यह व्यक्ति समाज का न हो, एक जंगल का व्यक्ति होना आवश्यक है। इसलिए कि भारत में इस सजीव ज्ञान को वहन करने वाले मुनि हैं, वो मुनि समाज में नहीं रहते, उनकी एक अलग ही बसाहत है, उन मुनियों की एक अलग ही बस्ती है। वो बस्ती के मुनि कभी समाज में नहीं आते, समाज की तरफ देखने का उनका दृष्टिकोण भी नकारात्मक है, वो समाज को पसंद नहीं करते और उनकी स्थिति ऐसी है कि वो समाज में आ ही नहीं सकते, इतने एकांत में वो रहते हैं। तो ऐसे जंगल में रहना वाला व्यक्ति जो मुनि है वो आपके कोई काम का नहीं, वो संचालक है, इस सजीव ज्ञान का संचालक है, लेकिन वो आपके कोई काम का नहीं क्योंकि वो आप तक पहुंचेगा नहीं। फिर ये परंपरा ऋषियों ने संजोई हुई है, ये सजीव मार्ग का संचालन सिर्फ ऋषि करते हैं, उनका संबंध वहां भी है, उनका संबंध यहां भी है, एक माध्यम का, एक कुल का कार्य करते हैं। ऐसा व्यक्ति जो सामाजिक व्यवहारों से परे हो, समाज से अलग थलग हो,
उसे व्यवहार का कोई ज्ञान न हो, क्योंकि ये सजीव ज्ञान व्यवहारिक दृष्टिकोण से बाहर है। हमारी पुस्तकें इतिहास बता सकती हैं, हमारी पुस्तकें पुराने चरित्र बता सकती हैं, लेकिन जो हो चुका है वो पुस्तकें बताती है, जो हो रहा है वो ऋषि बताते हैं। इस सजीव ज्ञान के संचालक वह ऋषि होते हैं, और ऋषि का निर्माण बहुत कठिनाइयों से, बहुत समय के शुद्ध इच्छा के बाद होता है। 7 जन्मों तक सिर्फ दूसरे के कुछ देने की इच्छा से जन्म लेने से जो 8वां जन्म होता है, उस 8वें जन्म में उसे एक करुणामय शरीर की प्राप्ति होती है। देखिए, करुणामय शरीर एक सुपात्र शरीर है, जो सुपात्र शरीर पे गुरु कृपा बरसती है। गुरु कृपा कोई पुस्तकों की वस्तु नहीं है, गुरु कृपा कुछ पढ़ी जाने वाली वस्तु नहीं है, गुरु कृपा की कोई सीमा नहीं होती। यह गुरु कृपा उस सुपात्र व्यक्ति पे बरसती है जिसका पूर्ण देह का निर्माण करुणा से किया गया हो। व्यवहार में भी कुमार उस दिए को फेंक देता है जिस दिए में तेल रखने की क्षमता नहीं होती। ठीक उसी प्रकार से जिसमें जितनी अधिक करुणा का सागर हो, जिसमें जितनी अधिक दूसरों को देने की इच्छा हो, ऐसा व्यक्ति सुपात्र व्यक्ति कहलाता है। और ऐसा सुपात्र व्यक्ति करुणा का सागर है। ऐसा करुणा का सागर जब 800 साल के बाद निर्माण होता है, और निर्माण होने के बाद में वो मुनियों की, जो समाज में आ नहीं सकते, उन मुनियों की कृपा दृष्टि उस पे बरसती है, आती है। वह चैतन्य के एकमात्र माध्यम से आती है। चैतन्य का माध्यम वो माध्यम है जिस माध्यम से सजीव ज्ञान प्राप्त होता है। सजीव ज्ञान वो ज्ञान जो भाषाओं से परे है, वो ज्ञान जो सीमाओं से परे है, वो ज्ञान जो धर्मों से परे है, वो ज्ञान सजीव ज्ञान कहलाता है। ऐसा सजीव ज्ञान उस व्यक्ति पे बरसता है जो व्यक्ति जीवित है भी जीवित नहीं भी, यानी वो देह से स्वरूप में है, देह के स्वरूप में है, लेकिन देह के स्वरूप में नहीं है, यानी वो देहधारी होके भी देह में नहीं है। जिसके अंदर का मैं पूर्णतः समाप्त हो गया हो, इसके अंदर सिर्फ दूसरे के लिए करुणा ही बाकी रह गई हो, ऐसा सुपात्र व्यक्ति इस गुरु कृपा का पात्र होता है। आपको सुपात्र बनने के लिए अधिक से अधिक अपने पात्र को बड़ा करना होगा। आपका पात्र आपके दूसरे की कार्य करने की इच्छा से, दूसरों को मदद करने की इच्छा से जितना विकसित होगा, उतने ही आपकी पात्र की क्षमता बढ़ती जाएगी। और आप जितना दूसरों को देते जाएंगे,
उतना ही आपके पात्र का विस्तार क्षण प्रतिक्षण बढ़ते जाएगा, दिन प्रतिदिन बढ़ते जाएगा और एक करुणामय सागर का निर्माण उस सुपात्र में हो सकता है। ऐसे व्यक्ति अगर आपके जीवन में आ जाए, ऐसा व्यक्ति आपके तरफ एक दृष्टिक्षेप कर दे, आपको स्पर्श कर दे, आपके लिए इच्छा मात्र कर दे, उसके इच्छा मात्र से सजीव ज्ञान प्रवाहित हो जाता है और सजीव ज्ञान प्रभावित हो जाने के बाद आपके भीतर जो परमात्मा का अंश है वह आत्मा के रूप में विद्यमान है, वो प्रज्वलित हो जाता है, वो जल जाता है और जल जाने के बाद उस आत्मा के प्रकाश में आपका और आपके आसपास का सारा अंधेरा दूर हो जाता है और दूर होने के बाद में क्या अच्छा है और क्या बुरा है इसका ज्ञान आपको आपके भीतर से ही होना शुरू हो जाता है। यानी वो सजीव ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपके भीतर का धर्म जागृत होता है और धर्म जागृत होने के बाद में आपको सब नॉलेज सब ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वो ज्ञान प्राप्त होने के बाद आपको कोई भी जानकारी प्राप्त करने के लिए, कोई भी ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी पुस्तक की आवश्यकता नहीं रहती है, क्योंकि आपके इच्छा मात्र से आप उसके विषय की सारी जानकारी, समस्त जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सिर्फ आपके अंदर वो इच्छा होनी चाहिए कि हमें ये जानकारी लेना है। ऐसी इच्छा करने मात्र से ही आपको सब जानकारी प्राप्त हो सकती है। यह सजीव ज्ञान का क्षेत्र किसी देश की, किसी भाषा की, किसी जाति की, किसी रंग की सीमाओं में बंधा हुआ नहीं है। यह अति विशाल है, इसमें सारा विश्व समाहित हो गया है। अब ऐसे देहधारी ऋषि को पहचानेंगे कैसे, जानेंगे कैसे, सवाल ये आता है। जानने के लिए हमारे पास वो आंख नहीं है जिस आंख के द्वारा हम उसको पहचान सके, हम उसको जान सके। वो व्यक्ति कोई पुस्तक नहीं है जिसको हम बाजार से खरीद सके, वो हमारे को भाषा नहीं मालूम जिस भाषा से हम उसे पढ़ सके, हम उसे पहचान सके। हमारे कान उतने सशक्त नहीं है कि हम उसकी आहट को जान सके। तो हमारे पास जो व्यवहारिक ज्ञान है, जो व्यवहारिक बुद्धि है, ये सब उसको जानने के लिए, ये सब उसको पहचानने के लिए पर्याप्त नहीं है। फिर उसको पाने का, उसको पहचानने का, उसके सानिध्य में जाने का कौन सा रास्ता है, कौन सा मार्ग है? तो मार्ग है सबसे पहले हमारी निर्जीव पुस्तकों से प्राप्त की गई बुद्धि को हमको तिलांजलि देना पड़ेगी, बुद्धि को छोड़ना पड़ेगा। जब इस बुद्धि को छोड़ोगे तो इस बुद्धि के घर्षण से निर्मित आपके भीतर का अहंकार, आपके अंदर का मैं मरता चला जाएगा। और जैसे ही आपके अंदर का मैं मरता चला जाएगा, धीरे धीरे आपके भीतर का सजीव ज्ञान का स्रोत उगता चला जाएगा। एक म्यान में दो तलवारें कभी नहीं रह सकती। ठीक उसी प्रकार से व्यवहारिक ज्ञान से, व्यवहारिक बुद्धि से इस सजीव ज्ञान की प्राप्ति कभी हो ही नहीं सकती।
ये दो चीजें एक साथ कभी नहीं हो सकती। सर्वप्रथम उसे छोड़ना होगा। जब आप छोड़ेंगे तो आप महसूस करेंगे कि सजीव ज्ञान का उदय धीरे धीरे होने लग गया है। दूसरा, जब वो ज्ञान का उदय हो जाएगा, सजीव ज्ञान अनुभव होने लग जाएगा, अनुभव होने के बाद एक विशिष्ट चेतना, विशिष्ट चैतन्य की अनुभूति हमें प्राप्त होगी, और वो प्राप्त होने के बाद एक आत्मिक शांति आपको महसूस होगी। जितने धर्मों के कर्मकांड है, इन सब कर्मकांडों का एक ही उद्देश्य है, एक ही रास्ता है कि आपको आपकी निर्विचारता की स्थिति प्राप्त हो जाए। ये निर्विचारता की स्थिति जैसे जैसे आपके भीतर का सजीव ज्ञान जागृत होगा, वैसे वैसे वो प्राप्त होना शुरू हो जाएगी। दूसरा, ऐसे ऋषि के सानिध्य में आके, ऐसे सद्गुरु के सानिध्य में आके आप एक आत्मिक शांति महसूस कर सकते हैं। कुछ लोगों ने सद्गुरु को हलवाई कहा, लेकिन मैं कहता हूँ सद्गुरु वो रोटी बनाने वाला रसोईया है जो रोटी को जलने भी नहीं देता और कच्ची भी नहीं रखता। कहने का मतलब, जब आपके अंदर अहंकार आ जाएगा, अहंकार से आपकी रोटी जलने लग जाएगी, तब आपकी रोटी को वो पलट देगा, उसको कच्ची भी रहने नहीं देगा, बराबर सेकेगा, और सेकते समय वो आपको चटके देगा, तो उसकी अग्नि से उसको सहन करना भी बड़ा कठिन कार्य है। जीवंत गुरु का सानिध्य कई पुण्य के बाद मनुष्य को प्राप्त होता है, और वो सद्गुरु सदैव सत्य कहता है, सच कहता है। आपको अच्छा लगे, आपको बुरा लगे, इसका उसे कुछ लेना देना नहीं है, क्योंकि उसका कार्य आपको खुश करना, आपको प्रसन्न करना है ही नहीं। उसका कार्य आपको सत्य के दर्शन कराना है। सारी दुनिया आपके अहंकार को पुष्टि करती है, आपके अहंकार को बढ़ाती है। सद्गुरु ही एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जो आपके अहंकार को कम करने के लिए सदैव प्रयत्नशील रहता है, सदैव आपके भीतर के मय को समाप्त करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। उसका प्रयास सदैव ही रहता है कि आपके भीतर का मय कम हो जाए, मय समाप्त हो जाए। वो उसी का ही इंतजार करते रहता है। जिस प्रकार एक कुम्हार एक मटके को तैयार करता है, उसको सेकता है, उसको पकाता है, और पकाने के बाद में ही उसके भीतर पानी डालता है, ठीक उसी प्रकार से सद्गुरु अपने शिष्य को तैयार करता है, उसे सेकता है, उसको पकाता है, और पकाने के बाद में जब उसको विश्वास हो जाता है कि मटका पूर्णतः पक गया है, तभी उसमें चैतन्य का जल, चैतन्य का प्रवाह प्रवाहित करता है।